उस वक्त बड़ी खबर आ रही है, संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है, लोकसभा राज्यसभा में हंगामा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुना देते। और कई कई डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को मैं जानता हूं जो कई कई दिनों तक अपने घर नहीं गए, रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उन लोगों ने हम लोगों की जान बचाई। कई डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को मैं जानता हूं जो लोगों की सेवा करते करते उनको खुद कोरोना हो गया और वो दुनिया छोड़ के चले गए, शहीद हो गए। पूरा देश, सारी इंसानियत इनकी कर्जदार है, इनको जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, शब्द नहीं है हमारे पास इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश में। हमने 1-1 करोड़ रुपए की सहायता उन लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, केवल स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी, जो कि लोगों की सेवा करते हुए, जिनको कोरोना हो गया, कोरोना का काम करते हुए जिन्हें कोरोना हो गया और जो शहीद हो गए, ऐसे लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी हम लोगों ने। अब ये समय है, सभी डॉक्टर्स, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये कहने का, ये जताने का, ये बताने का कि हम सब उनके कितने शुक्रगुजार हैं, उनका सम्मान करने का, सभी डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करने का। हर वर्ष देश ऐसी कुछ चुनिंदा हस्तियों को भारत रत्न और पद्म अवार्ड से सम्मानित करता है, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया, प्रतिभा दिखाई। इस वर्ष और ये पद्म अवार्ड्स के लिए, मैं 3 अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। इन 3 अवार्ड्स के लिए केंद्र सरकार जनता से भी नाम मंगवाती है और सभी राज्य सरकारों को से लिखती है कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य से किसी ऐसी हस्ती का नाम देना चाहें तो राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से नाम भेजती हैं पद्म अवार्ड्स के लिए। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्म अवार्ड्स के लिए भेजेंगे। हम अपने डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को कहना चाहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार के पद्म अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे और ये नाम जनता बताएगी। जनता को ज़्यादा पता है कि किन डॉक्टर्स ने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी सेवा की, किस डॉक्टर ने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी कुर्बानी करके सेवा की। तो एक ईमेल एड्रेस हम लोग जारी कर रहे हैं, पद्मा अवार्ड्स, PADMAAWARDS, पद्मा अवार्ड्स .delhi@gmail.com, PADMAAWARDS.delhi@gmail.com। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति, किसी भी डॉक्टर या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी का नाम और उसने क्या काम किया, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, आप क्यों चाहते हैं कि उनको पद्म अवार्ड मिले, वो सारी डिस्क्रिप्शन आप हमें 15 अगस्त तक भेज दीजिए। कोई भी नागरिक, दिल्ली का कोई भी नागरिक भेज सकता है, आप हमें ये सारी डिटेल्स भेज दीजिए। एक हम लोगों ने सर्च एंड स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष मनीष सिसोदिया जी हैं। वो कमेटी उसके अगले 15 दिन के अंदर ये सारे नामों को स्क्रीन करके डिसाइड करेगी कि किन नामों को दिल्ली सरकार की तरफ से रिकमेंड किया जाए और फिर वो नाम हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार को नाम भेजने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है, तो हम चाहते हैं कि 15 अगस्त तक हमारे पास अगर नाम आ जाएंगे तो उनकी हम स्क्रीनिंग करके समय रहते
केंद्र सरकार को अपनी तरफ से नाम भेज देंगे। मैं फिर से अपने सभी डॉक्टर्स, सभी स्वास्थ्य कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि सारा देश क्या पूरी दुनिया आपकी आभारी है, हम सब लोग आपके आभारी हैं। और ये एक छोटा सा तरीका है हमें आपको सम्मानित करने का। बहुत बहुत शुक्रिया।